नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के हादसे को लेकर मैं आपको कई दिनों से अपडेट करता आ रहा हूं। आज मेरे पास एक और खबर है। सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट में आने का देरी का रीज़न मैं आपको आज बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि सीबीआई की रिपोर्ट नवंबर में आ जानी चाहिए थी, वो लेकिन नहीं आई, और उसका अब क्या कारण है वो सामने आ चुका है और मैं उससे आपको अवगत करा दूंगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत में सिर्फ सुशांत सिंह के हादसे का ही एंगल नहीं है, बल्कि एक एंगल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत को उनके हादसे से 5 दिन पहले जो दवाइयाँ दी गई थी वो दवाइयाँ गलत थी। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे, जिसके चलते उनको उनके डॉक्टर प्रियंका ने फ़ोन पर कुछ दवाइयाँ लिख के प्रिस्क्राइब की थी जो कि ड्रग लॉ के अंडर बैंड है। जी हाँ दोस्तों, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो ड्रग के लॉ के अंडर मना की गई हैं, इन्हें नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की थी, जिसके बाद ये जो पूरा केस है ये और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। दोस्तों, हादसे के 5 दिन पहले ये दवाइयाँ उन्हें प्रिस्क्राइब की थी, जिसके बाद 5 दिन बाद उनका हादसा हुआ, जिस वजह से सीबीआई को उस एंगल पर भी काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से ये पूरे केस में डिले होता जा रहा है। दोस्तों, इसके बावजूद सीबीआई ने कुछ खुलासे ज़रूर किए हैं। हाल ही में आई सीबीआई की रिपोर्ट में कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप में से कईयों ने देख भी ली होगी। ऐसे ही मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।